नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आरजे केमिस्ट्री क्लासेस के स्टूडेंट नीलाभ सिंह उपस्थित हैं, जिन्होंने कोचिंग और सारे मुजफ्फरपुर का मान बढ़ाया है MHCET में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल करके। MHCET के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें आता है GLC मुंबई और ILS पुणे। इन दोनों में से भी GLC मुंबई को सामान्य तौर पर रैंक 1 का कॉलेज माना जाता है और उसमें टोटल 240 सीट उपलब्ध है। उस 240 सीट में 15% सीट जो है महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध माना जाता है, जिसमें से कि 5% सीट NRIs के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि 240 में से जो कुल 36 सीट बाहर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं उसमें 12 सीट NRIs के लिए और बाकी के 10% यानी कि 24 सीट जो है वो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होता है। नीलाभ सिंह का चूँकि रैंक ऑल इंडिया रैंक 17 है तो डेफिनेटली उसे GLC मुंबई में एक सीट तो मिलने ही जा रहा है, और वो सिर्फ उसके फैमिली के लिए एक बड़ा अचीवमेंट नहीं है बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर शहर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा नीलाभ सिंह से कि आप बताओ कि ये GLC में जाने के बाद आपको लग कैसा रहा, जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि GLC वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है एशिया का और उसका मतलब अलग ही सर GLC की पहचान है पूरे लीगल फील्ड में। तो सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि उस कॉलेज का पार्ट बनने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर जब हमारे जैसे कोचिंग यानी कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट लॉ के फील्ड में जाते हैं तो एक अच्छा अनुभव भी मिलता है। तो सबसे पहले आप नीलाभ ये बताओ कि जैसे आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले इंजीनियरिंग या मेडिकल का सोच रहता है, तो हमारे स्टूडेंट को आप ये बताओ कि साइंस स्ट्रीम में IITs और मेडिकल के अलावे लॉ का भी बहुत एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में आने के लिए कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आप बताओ और उन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को डील करना होता है। सर मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो होता है वो एक क्लैट होता है, उसके क्लैट के थ्रू 22 NLUs हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, उसमें एडमिशन होता है। उसके बाद सर एक NLU दिल्ली है, उसका अलग एग्ज़ाम है जिसको हम ELET के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और फिर एक MHCET जो कि महाराष्ट्र का लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको MHCET कहते हैं। उसमें सर बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन मतलब टॉप 10 कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में और मतलब अक्रॉस द ग्लोब भी। तो और सर इसमें प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है तो क्लैट में सर 5 पेपर होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं क्लैट में, जिसमें सर एक लीगल रीजनिंग होता है और इंग्लिश सेक्शन होता है और लॉजिकल रीजनिंग, करेंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स का ही बहुत ईजी सा मतलब एक वर्जन है, जिसमें कि सर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, पैसेज में से आपको डाटा निकालना है और उसको एक केसलेट बनाइए या फिर कोई बार ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और इंग्लिश में सर वही क्लैट में सर सारे सेक्शन में पैसेजेस रहते हैं तो उसके लिए सर कोई बहुत ज़्यादा कोई बुक रेफर करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि आप रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग को अपने डेवलप कीजिए, उसके लिए न्यूज़पेपर या फिर कोई नोवेल वगैरह पढ़ना काफ़ी अच्छा रहेगा और न्यूज़पेपर से तो करंट अफेयर भी कवर हो जाता है। तो सर क्लैट के लिए मेनली यही और मॉक्स वगैरह देना, तो सैम्पल पेपर क्लैट के थ्रू भी रिलीज किया गया है तो सैम्पल पेपर भी रेफर कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पास्ट ईयर पेपर क्लैट में। ELET में तो सर पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, क्लैट में तो पैटर्न चेंज होने के बाद ये नया पैटर्न आया था, तो ELET का तो सर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें। और उसके अलावा ELET में भी 5 सेक्शन है, एक है करेंट अफेयर और उसके बाद है मैथ्स, उसके बाद आपको इंग्लिश, लीगल और रीजनिंग। तो उसमें भी तो सर उसमें काफ़ी सालों से मतलब करीब 12-13 साल से एग्ज़ाम ELET का हो रहा है तो पास्ट ईयर पेपर काफ़ी सारे हैं अवेलेबल, तो उनको सॉल्व करें। और उसमें सर होता क्या है कि जैसे इसमें क्लैट और ELET में डिफरेंस हो जाता है कि उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सारे नहीं होते हैं, पैसेज कुछ कुछ में होते हैं लेकिन सारे पैसेज बेस्ड नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक बुक आता है सर यूनिवर्सल का, तो वो रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि वो गाइड बुक है एक तरह से, मतलब कंप्लीट गाइड है, उसमें पास्ट ईयर पेपर के साथ साथ सारे चैप्टर का भी पास्ट ईयर उसमें कंपाइलेशन दिया हुआ है। और उसके अलावा MHCET का भी तो सर ELET का ही पैटर्न फॉलो करता है MHCET भी, ऑल्दो सर इसके क्वेश्चंस का लेवल सर थोड़ा सा लो होता है, कट ऑफ फिर हाई जाता है MHCET का, लेकिन सर ELET के पैटर्न को ही लगभग फॉलो किया जाता है MHCET में। अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि
जैसे क्लैट का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो क्लैट में जो टॉप 10 या बेस्ट कॉलेजेस के बारे में आप बताओ, और ईलेट के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताओ, और साथ ही साथ BHU में भी जो लॉ का एडमिशन हो रहा है उसके बारे में आप बताओ कि वो एडमिशन का क्या प्रक्रिया होता है। सर क्लैट में सर 22 NLUs हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और ईलेट के थ्रू सर एक NLU में सिर्फ एडमिशन होता है, इसका नाम है NLU दिल्ली, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। और BHU का जो 5 ईयर BLLU में एडमिशन होता है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है BLAT, BHU लॉ एडमिशन टेस्ट, और MHCT है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके थ्रू महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन होता है। और सर क्लैट में सर काफ़ी सारे 22 लॉ कॉलेजेस हैं, जिनमें सर नंबर 1 पे माना जाता है NLSIU बैंगलोर, सेकंड पे नालसार हैदराबाद, थर्ड पे NLU जोधपुर और NLIU भोपाल, फोर्थ पे फिर NUJS कोलकाता, फिर उसके बाद HNLU रायपुर, ऐसे सर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, GNLU गांधीनगर, जी सब टॉप कॉलेजेस हैं क्लैट के अंदर। और ईलेट के अंदर तो NLU दिल्ली है, और MHCT के अंदर सर टॉप कॉलेजेस तो काफ़ी हैं, नंबर 1 पे माना जाता है GLC मुंबई, और सेकंड नंबर पे फिर आता है ILS पुणे, ऐसा मतलब लोग मानते हैं, और ये है भी बिल्कुल, क्योंकि सर GLC सर एशिया का सबसे पुराना लॉ कॉलेज है, 1855 में इस्टेब्लिश हुआ था ये लॉ कॉलेज, तो काफ़ी पुराना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इस कॉलेज के पास एक्सपीरियंस है, और अलुमनाई बेस इसका काफ़ी स्ट्रांग है, और क्योंकि सर लॉ फील्ड में अलुमनाई बेस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, GLC का सर अलुमनाई बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि सर ये 1855 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका लिगेसी काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे सर कुछ एलुमनाई के सर नाम हैं सर, जैसे भीमराव अम्बेडकर उसी कॉलेज से हैं, उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, और 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी कॉलेज से हैं, 1 नेपाल के भी एक चीफ जस्टिस GLC कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और मतलब जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स और सीनियर एडवोकेट GLC मुंबई के ही हैं, क्योंकि सर वहाँ बिल्कुल सर। जैसे ईलेट के बारे में आपने बताया कि उसमें एक NLU है NLU दिल्ली, तो क्या NLU दिल्ली का 100% सीट ईलेट के ही थ्रू है, या फिर पार्टीशन है कुछ क्लैट के थ्रू, या कुछ ऐसा है? नहीं सर, NLU दिल्ली का सर सारा सीट ईलेट के थ्रू ही एडमिशन होता है, और क्लैट के अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं सारे सीट पे क्लैट के एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे ही एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट पे। ठीक है, अब अगर जैसे क्लैट के एग्जामिनेशन में आपने जैसे बताया कि 5 पेपर है, जिसमें जहाँ तक हम समझ पाए कि एक दो रीजनिंग बोल दिए, एप्टीट्यूड बोल दिए, ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस का टर्म रह जाता है, और लेकिन कुछ नयापन भी है, जैसे कि लीगल हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी, बच्चा जैसे 12th तक जाता है तो लीगल वाले सब्जेक्ट से बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो क्या लीगल के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, या फिर आराम से खुद से भी कहीं से मटेरियल तैयार करके वो लीगल का तैयारी कर सकते हैं? सर लीगल रीजनिंग की जहाँ तक बात है, तो लीगल रीजनिंग कोई बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी बेसिक जो लॉज होते हैं, जो कॉमन लॉज हैं, जो कि हम लोग समझ सकते हैं उस लॉ को, काफ़ी लॉजिकल जो लॉज हैं उन्हीं का क्वेश्चंस रहता है, तो आप कहीं से भी जो स्टडी मटेरियल गैदर करके आराम से उसका प्रिपरेशन किया जा सकता है, किसी कोचिंग में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लीगल के प्रिपरेशन के लिए। आपने जैसे जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, आपने सेल्फ स्टडी करके खुद से ही ये क्लैट की प्रिपरेशन करी थी, जिसमें आपने MHCET में सफलता पाई, तो आप हमको ये बताओ कि आप किस तरह से अपना तैयारी किया था, और 11th 12th के सिलेबस को आप कैसे मैनेज किए, और साथ में आप ये प्रिपरेशन जो है क्लैट का, या फिर लॉ फर्म में जाने के लिए ये प्रिपरेशन आपने कैसे मैनेज किया, और अपने समय को कैसे मैनेज किया? सर क्लैट के प्रिपरेशन के लिए या फिर MHCET के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। क्लैट के प्रिपरेशन में तो कंप्लीट, अब तो कम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आपका रीडिंग स्पीड होना चाहिए, उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हैं, एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर इससे तो क्लैट का सारा लगभग सारा सेक्शन कवर हो जाता है, करेंट अफेयर भी बहुत हद तक कवर, बहुत हद तक क्या मतलब कवर हो ही जाता है करंट अफेयर भी। मैथ तो साइंस हो स्ट्रीम हो या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, अगर 10th पास किए हैं तो मैथ्स काफ़ी बेसिक रहता है उसका तो। और जहाँ तक MHCET की बात है, तो MHCET में कुछ टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने होंगे, जैसे रीजनिंग के, तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग की, तो आराम से कवर हो जाएगा उससे, उसके बाहर नहीं रहता है MHCET में। और ईलेट में कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी सर RS अग्रवाल में अवेलेबल हैं। अच्छा, बिल्कुल सर।
अगर पूछा जाए एक्यूरेट कितने क्वेश्चंस आते हैं अभी के जो इस साल का जो पैटर्न है, तो MSET में और क्लैट में या ईलेट में, वो तीनों आप सेपरेटली आप बता दो बच्चों को कि क्वेश्चंस कैसा है और मार्किंग स्कीम क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कट ऑफ कितना जाता है मोटा मोटी। ये तो आउट हो ही जाता होगा कि किस NLUs में या फिर MSET के GLC में जाने के लिए जो आपका रैंक जो बेहतरीन रैंक है ऑल इंडिया रैंक 17, तो वो पाने के लिए कम से कम कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो आप शुरुआत करो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर। सर क्लैट के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ होता है वो टॉप 3 NLUs के लिए आप 100+ को सेफ माना जा सकता है। क्लैट का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है और 0.25 का निगेटिव मार्किंग इसमें होता है, 150 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पे एक मार्क। उसके बाद सर इसमें ईलेट पे सर वो भी 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है ईलेट भी, तो उसमें भी सर 100+ पे ही NLU दिल्ली मान के चलें सेफ साइड के लिए। और उसके बाद सर उसमें भी 0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है, 0.25। ओके। उसके बाद सर MHCET में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो सर इसका GLC के लिए सेफ साइड के लिए 130 माना जा सकता है। इतना बिल्कुल सर निगेटिव नहीं है, तो यानी कि बहुत कठिन है ये। बिल्कुल सर। और सर उसके बाद जहाँ तक सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात रही, तो MHCET का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि उसका पास्ट ईयर पेपर भी रिलीज नहीं होता है, तो इसलिए सर मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 150 हैं तो 30 मार्क्स का आपको GK रहेगा, 30 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, 40 मार्क्स का लीगल रहेगा, 40 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, तो आपको ये हो गए 140 10 मार्क्स का मैथ्स, तो ऐसा माना जा सकता है। और सर ईलेट की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश 35 मार्क्स, लीगल 35 मार्क्स और रीजनिंग भी 35 मार्क्स, और आपको GK भी 35 मार्क्स, तो 140 मार्क्स हो गए और 10 मार्क्स मैथ्स के। मैथ्स बहुत कम रहा। बिल्कुल सर। और क्लैट वाला, क्लैट वाला सर क्लैट में सर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, और क्लैट में सर उसका कोई मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका, क्लैट नहीं है, लेकिन उसका पास्ट पेपर अवेलेबल है। उसमें सर है कि किसी किसी ईयर 40 मार्क्स का भी लीगल पूछा जा सकता है, लेकिन वही 35-40 लीगल वैरी करता है, इंग्लिश 30 के करीब रहता है, रीजनिंग भी 30 के करीब रहता है, और GK भी वही 37-38 ऐसे, और मैथ्स 15-17 मार्क्स मैथ्स का रहता है। ओके। अब यहाँ पर आप ये बता दो कि GK का स्तर क्या होता है, GK किस लेवल का पूछा जाता है, GK के प्रिपरेशन में, खैर आपने तो बताया वो पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, और इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या होता है, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक सामान्य क्वेश्चन है। सर इंग्लिश से सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सर इंग्लिश हार्ड नहीं होता है, इंग्लिश में आपसे ग्रामर के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लैट में, MHCET में भी काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर के। क्लैट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि रीडिंग स्पीड होना चाहिए, उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी है, डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना होगा, वोकैबुलरी अपना बिल्ड करना होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग वोकैबुलरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसा नहीं कोई मतलब बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ग्रामर के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि आपको कोई बहुत ग्रामर का बुक पढ़ना पड़ेगा, वैसा प्रिपरेशन में नहीं जरूरी है, बस रीडिंग स्पीड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पैसेज में क्या लिखा हुआ है, टोटल कम्प्रिहेंशन बेस्ड रहता है, और एक दो क्वेश्चन नॉर्मल सा जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच से या फिर आर्टिकल सबसे, तो ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है क्लैट में। ईलेट में सर थोड़ा सा ग्रामर के तरफ इंक्लाइंड हो जाता है ईलेट का प्रिपरेशन, तो ईलेट के प्रिपरेशन में हाँ थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, जो कि अदर बैंकिंग वगैरह का जो ग्रामर का होता है, तो थोड़ा बहुत वो भी कोई बहुत बैंकिंग लेवल का नहीं, क्योंकि ईलेट का कट ऑफ लो जाता है, इस बार एक्सेप्शनली हाई चला गया इसलिए 100 बोल दिए हैं, नहीं तो उस पर तो 75 है, तो एडमिशन पक्का है, 75 पे एडमिशन पक्का रहता है ईलेट में 150 में, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हार्ड रहता है तो फिर कट ऑफ नीचे जाता है, तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है। MHCET में भी ईलेट का पैटर्न ही लगभग फॉलो होता है, तो उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर के, और पैसेज फिर दो पैसेज रहेगा, अगर 30 नंबर का है तो दो पैसेज हो गया, 10 मार्क्स ऐसे ही हो गया, फिर कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रहेंगे, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 10 मार्क्स ऐसे हो गया, 10 मार्क्स में कुछ आर्टिकल के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ और ग्रामर के, तो बहुत ज़्यादा वेटेज ग्रामर का नहीं होता है, जिसे बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस हम बेसिक नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी है, रीडिंग स्पीड अंडरस्टैंडिंग ये सब होना कंपलसरी है। बिल्कुल सर। तो आपके बात से इतना तो अनुभव आ रहा है कि मैथ्स रीजनिंग जो है RS अग्रवाल वाली बुक से भी बहुत अच्छे से कर सकता है, पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, उससे दोनों सेक्शन आपका फुलफिल होता है, एक इंग्लिश वाला भी और एक GK वाला भी, और करेंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा हो जाता है, और
एक ये भी आपके बात से अंदाज़ा लग रहा है कि ईलेट जो है कंपेरेटिवली वो थोड़ा ज़्यादा लेवल का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, जो कि ऐसा भी नहीं मतलब कि करेगा बच्चा तो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो जब बच्चा स्टार्ट कर रहा है, एक सामान्य स्टूडेंट है जो कि अभी 11th 12th में पढ़ रहा है और उसकी इच्छा है कि हम लॉ के क्षेत्र में जाएं और इसमें बहुत अच्छा करियर बनाएं, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? शुरुआत तो सबसे पहले उसको क्लैरिटी या इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को मिल ही रहा है। तो वो शुरुआत कहाँ से करने का कुछ मतलब होता है कि वो कौन सा सेक्शन सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करे, मटेरियल वो कहाँ से मैनेज करे, और जैसा कि आप भी मुजफ्फरपुर से प्रिपरेशन करके खुद से तैयारी करके इस क्षेत्र में आपने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया, तो क्या मुजफ्फरपुर से प्रिपरेशन करके लोग क्लैट में या फिर और भी MSCET IELTS में अच्छा कर सकता है या बाहर जाना नेसेसरी है? सर पहली बात कि बाहर जाना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से आराम से हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कर रहा है 4 घंटे भी स्टार्टिंग के डेज में, 4-5 घंटे तो काफ़ी है। स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो सर सबसे पहले स्टार्टिंग न्यूज़पेपर से करना चाहिए। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो उसका वोकैबुलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत डिक्शनरी रेफर किए और उसको एक कॉपी में नोट कर लिए और उस कॉपी को फिर रिवाइज किए, शाम के समय या सुबह के समय रिवाइज किए उसको, तो ऐसे वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगा क्योंकि वोकैबुलरी इस प्रोफेशन का ही एक बेस है। वोकैबुलरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर से बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे ही पढ़ना शुरू करने के बाद तो अंडरस्टैंडिंग जब होने लगता है पैसेज का तो मॉक वगैरह में फिर मार्क्स आने लगेगा, वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसमें जो अदर सेक्शन है क्लैट की बात अगर करें तो अदर जो सेक्शंस हैं तो अदर सेक्शंस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मतलब अगर रीजनिंग वाले सेक्शन में भी जाएंगे क्लैट में तो बस वही अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बस अंडरस्टैंडिंग जो है मैटर करता है और कुछ नहीं। और इंग्लिश में भी वही है और लीगल में बस वो बेसिक लॉज हैं जो कि आपको यूनिवर्सल की जो बुक है उससे आराम से हो जाएगा बेसिक लॉज कवर, तो या फिर AP भारद्वाज एक आता है पियर्सन का तो उसमें बिल्कुल सर लीगल का ही है बुक आता है वो AP भारद्वाज, तो उसमें भी सारा लॉ कवर है। लैटिन मैगजीम्स भी उसमें कवर है जो कि अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्लैट में, MHCET में और इवन ईलेट में भी। तो बस लीगल के लिए लॉज पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सर रीडिंग अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आराम से हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कुछ मॉक्स वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद फिर से। तो कहने का मतलब है मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, वो तो जैसे हम लोग IIT और NEET का कोचिंग चला रहे हैं तो यहाँ पर भी जैसे टेस्ट देना सबसे अनिवार्य चीज़ होता है, तो वो ऑब्वियसली बात है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इसमें भी टेस्ट देना नहायत ज़रूरी होता है। तो आप ये बता दो कि 2022 के एग्जामिनेशन में जो एस्पायरेंट 2022 की तैयारी करेंगे क्या ये 6 महीना या 5 महीना उसके लिए इनफ है प्रिपरेशन के लिए? अगर सर कोई 12th का स्टूडेंट है तो समय तो बिल्कुल इनफ है 6 महीने, लेकिन 6 महीना या 5 महीना कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। 6 महीने नहीं अभी तो सर 7-8 महीना है। अच्छा हाँ सर, तो कंसिस्टेंटली अगर कोई वर्क करेगा तो आराम से पॉसिबल है उसमें। बिल्कुल सर बिल्कुल, मॉक देना और न्यूज़पेपर और वोकैबुलरी मतलब ये सब तो बेसिक है, बाकी सारा चीज़ ऑटोमेटिक इसमें आपको ऐड ऑन होते जाएगा। अब आप ये स्टूडेंट्स को बता दो कि जो 2022 में लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं उसको मुख्य रूप से कौन कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा और वो सारा जो उन लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका फॉर्म सामान्य तौर पर किस महीने में आता है, अगर कोरोना का इफेक्ट नहीं होता है तो सामान्य तौर पर वो फॉर्म किस महीने में आता है, और अगर संभव हो ध्यान हो तो उसका मोटा मोटी जो फी जाता है वो भी आप हमको बता दो। सर क्लैट का फॉर्म तो जनवरी मंथ में आ ही जाता है 1st of January से। अच्छा। और 31st of March तक रहता है क्लैट का फॉर्म। क्लैट के फॉर्म का सर प्राइस है 4000 रुपीज़, 4000 है सर। और ईलेट का फॉर्म सर करीब वही फरवरी मार्च में आता है तो उसके लिए देखना होगा, उसका सर 3050 है ईलेट का। उसका सर MHCET का फॉर्म का डेट मतलब कंप्लीट फिक्स नहीं है, लेकिन वही मार्च के मंथ में आप चेक करते रहेंगे, मार्च के मंथ के बाद कभी भी आ सकता है MHCET का। उसका सर 800 है।
उसके बाद सर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अपना पर्सनल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि एक सिम्बायोसिस है, तो उसका फॉर्म तो हम फिल नहीं किए थे इसलिए रेट नहीं मालूम, लेकिन उसका हम कोई आइडिया भी नहीं है। कब एग्ज़ाम हो जाता है? एग्ज़ाम सर उसका क्लैट से पहले हो जाता है। क्लैट का एग्ज़ाम कब होता है? हाँ सर, क्लैट का एग्ज़ाम तो सर मई के फर्स्ट वीक में जनरली हो जाता है। ईलेट का भी सेम है, क्लैट और ईलेट के एग्ज़ाम के बीच में जनरली 7 डेज का गैप रहता है। MHCET का एग्ज़ाम आपको क्लैट के एग्ज़ाम के 15-20 दिन के बाद हो जाता है, और उसके बाद फिर सर सिम्बायोसिस वगैरह का एग्ज़ाम क्लैट से पहले हो जाता है। और सर एक काफ़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, दो है सर, एक तो है प्राइवेट में जिंदल है, एक तो जिंदल का फी काफ़ी हाई है, और एक है निर्मा यूनिवर्सिटी, तो उसका सर क्लैट की रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, तो अप टू 5000 रैंक क्लैट का रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा निर्मा में, तो उसका सर फॉर्म एग्ज़ाम क्लैट के एग्ज़ाम से पहले तक फिल होता है। अच्छा, और 3000 सर निर्मा यूनिवर्सिटी का फ़ी है। 3000 निर्मा यूनिवर्सिटी का फ़ी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो NLU's में माना जाता है टॉप 5 या टॉप 2 या टॉप 3 कॉलेजेस किन को? NLU's में सर नंबर 1 कॉलेज माना जाता है NLSIU बेंगलोर को, सेकंड नंबर पे नालसार हैदराबाद है, थर्ड पे NUJS कोलकाता, वेस्ट बंगाल NUJS, उसके बाद सर फोर्थ नंबर पे NLU जोधपुर, फिफ्थ नंबर पे NLIU भोपाल, सिक्स नंबर पे GNLU गांधीनगर, सेवन्थ नंबर पे HNLU रायपुर, और फिर उसके बाद फिर सब्जेक्टिव हो जाता है, अपने अपने चॉइस के हिसाब से सब अपना पुट करते हैं। अब अगर एक मेरा ही कोई स्टूडेंट कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि NLU बेंगलुरु है और NLU दिल्ली है, तो दोनों अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम लोग एडमिशन लिए, अगर इन दोनों को बस आपके चॉइस के अनुसार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में आप किसको सुपीरियर मानते हो, या यहाँ इन्फीरियर नहीं है कोई, दोनों सुपीरियर है, बट कंपेरेटिवली कौन बेहतर? कंपेरेटिवली तो सर मेरे हिसाब से NLSIU बेंगलोर है, क्योंकि सर वो पुराना कॉलेज है तो एलुमनाई बेस उसका भी काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो वो एलुमनाई बेस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो सर ये NLSIU बेंगलोर काफ़ी अच्छा, क्योंकि सर NLU दिल्ली सर 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, और NLSIU बेंगलोर 1980s के अप्रॉक्स में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑब्वियसली बात है, पुरानी बिल्कुल सर, वैल्यू होनी है। बिल्कुल सर, तो इस कारण सर NLSIU बेंगलोर को हम अच्छा मानते हैं। हम लोग ना ये लॉ के क्षेत्र में तो मूवीज़ में हमेशा देखते रहे, कई तरह के बहस को हम लोग देखते हैं, और उससे ये भी चीज़ हम लोग सीखते हैं कि एक जो जज होते हैं किसी की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव लाते हैं, एक एडवोकेट जो होता है वो किसी के ज़िंदगी के लिए कैसे लड़ते हैं, कई तरह के चिंताओं फिकर और तकलीफ से कैसे निदान करवाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है लॉ का क्षेत्र हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिल्मों में जो विगत कुछ वर्षों में हम लोगों ने एक दो मूवी देखी है, जॉली LLB टाइप की मूवी, तो उससे एक अलग तरह का क्रेज़ बना है एडवोकेट के प्रति, तो आप ये बताओ कि क्या हम लोग फिल्मों में जो एडवोकेट का रोल देखते हैं सिर्फ वही है, या फिर एज ए स्टूडेंट जब वो लॉ कम्पीट करके NLU's या फिर MSCET में बड़े कॉलेज से, GLC जैसे कॉलेज से वो पास आउट होकर बाहर निकलता है, तो उसके कैरियर ऑप्शंस के रूप में क्या कौन कौन सा क्षेत्र है, वो कहाँ पर अपना कैरियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं? सर सबसे पहली बात है कि जनरल जो एक नोशन है कि आप अगर LLB कर रहे हैं तो फिर आपको वही प्रैक्टिस करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, नंबरस ऑप्शन है सर। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, तो सबसे एक प्रिवेलेंट है जुडिशियरी जज का एग्ज़ाम, उसके बाद है फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उस जो स्टेट के तरफ से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उसके बाद सर बैंक्स में लीगल ऑफिसर होते हैं हर एक बैंक का, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर एक बैंक में लीगल ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद सर इंश्योरेंस कंपनी के अपने लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, उसके बाद सर जो बड़े बड़े जो कंपनियाँ जो होती हैं उनका जो सर केस होता है, तो सर उसको हैंडल करने के लिए लॉ फर्म्स हैं। उसके बाद सर फिर आपको जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कोका कोला, कैडबरी वगैरह, तो इनके इनका भी सर अपना लीगल एडवाइज़र लोग ये लोग रखते हैं, सारे कंपनी में लीगल पोस्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद सर अभी तो सर मेडिकल के फील्ड में भी मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, तो उसके अभी उसका भी अलग सर एक्सपर्ट होते हैं, साइबर में अब तो सर लॉ आ गया है, तो साइबर लॉ काफ़ी एक अभी ग्रोइंग फील्ड है और काफ़ी ये प्रॉमिसिंग फील्ड है साइबर लॉ, तो सर ये मतलब बहुत है हम तो। उसके बाद सर आपको SEBI जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसमें सर ग्रेड A या ग्रेड B हम कन्फ्यूज़ हैं, तो इसी दोनों में किसी एक पोस्ट पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है,
आरबीआई में भी सर सेम यही कंडीशन है, काफ़ी हायर पोस्ट पे सेबी और आरबीआई दोनों में अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद सर अभी तो सर जैसा सुनने में आ रहा है कि कहीं इंडियन लीगल सर्विस भी स्टार्ट हो जाए तो सर वो भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो ये तो नीलाव आपसे बात करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि लॉ के बारे में जो भी जानकारी चाहते होंगे कि नीलाव के माध्यम से आप लोगों को वो जानकारी ज़रूर से हासिल हुआ होगा। तो हमारे कोचिंग की तरफ से और एज ए स्टूडेंट, आप हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हो और आपने अपनी तैयारी करने के साथ साथ इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, तो पूरे कोचिंग से के तरफ से और पूरे मुजफ्फरपुर की आबादी की तरफ से आपको अपने करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओके नीलाव, थैंक यू सर। ओके बाय स्टूडेंट्स।